तो हे गाइस, दिस इज के शर्मा एंड मैं हाजिर हूँ ये एक और नई वीडियो लेके, जिसमें मैं आज आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि आपको बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। आगे के प्रोसेस के बारे में आपको मैं कुछ दो तीन बातें हैं जो कि जरूरी हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जो भी मेरे भाई सेलेक्ट हुए हैं उनको मैं दिल से बधाई देना चाहता हूँ। और जो मेरे भाई अगर एक नंबर से, दो नंबर से, जितने भी नंबर से फेल हो गए हैं तो वो टेंशन ना लें, क्योंकि 7,000 वैकेंसी नई आने वाली हैं। अगले महीने शायद उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और जनवरी से आपके फॉर्म फिल होने चालू हो जाएंगे। तो ऐसा सोर्स क्या है, कहाँ से खबर मिली है, इसका आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आप तो बस जानकारी रखिए कि आपके लिए नई 7,000 वैकेंसी आने वाली है। और दूसरी बात, यूनिट अलॉटमेंट जो रिजल्ट है वो कब आने वाला है। बहुत से लोग परेशान हैं कि अभी हमारा रिजल्ट आ गया, अभी हमारा यूनिट अलॉटमेंट नहीं आया, हमें पता ही नहीं है कि कौन से जिले में हमको जाना है। लेकिन एक अच्छी बात है कि आपको अभी ये पता चल गया होगा कि आपको जो डीएफ मिली है या एसएफ मिली है। तो ये क्लियर है कि अगर आपको एसएफ मिली है तो आपको एसएफ की कोई ना कोई बटालियन मिलेगी, अगर आपको डीएफ मिली है तो आपको डीएफ का कोई ना कोई जिला मिलेगा। तो ऐसा इसका जो यूनिट अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो तैयार होने लगा है। तो 10 से 15 दिन के बीच में, मतलब इस मंथ के लास्ट में, आपको यूनिट अलॉटमेंट का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और यूनिट अलॉटमेंट के रिजल्ट के बाद एक एक हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर, मतलब 15 दिन के अंदर आपके मेडिकल प्रोसेस चालू हो जाएगा। उसका इतना समय इसलिए लगता है, मैं 15 दिन का समय मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसमें पहले डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट को पहले खबर देंगे और पूरा मतलब प्रोसेस होता है इनका। डॉक्यूमेंट आपके जहाँ आपका फिजिकल हुआ था वहाँ से आपके यूनिट में डॉक्यूमेंट जाएंगे, उसके बाद ही आपका मेडिकल स्टार्ट होगा। तो उसमें 10 से 15 दिन का समय लगता है, तो उस हिसाब से मैं 10 से 15 दिन बता रहा हूँ। मान लीजिए आपका 1 महीने के अंडर आपका मेडिकल प्रोसेस चालू हो जाएगा अब से 1 महीने के बाद। और अब बात करता हूं मैं कि मेडिकल प्रोसेस से पहले क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी या उसके बाद वेरिफिकेशन होगी। देखिए, दो तरीके की वेरिफिकेशन होती है, एक तो जहां यूनिट में आप जाओगे वहां आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद जब जहां से आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं आपका जब मेडिकल हो जाएगा, आप जो 2 प्रतियों में आप डॉक्यूमेंट देंगे उनमें से एक प्रति भोपाल जाएगी और एक प्रति आपके जिले से वेरीफाई होके आती है। और जैसे ही वो जिले से वेरीफाई होके भोपाल चली जाती है, आपके यूनिट आपकी आपके डॉक्यूमेंट भेज दिए जाते हैं और वहां से आपको ज्वाइनिंग के लिए कॉल आ जाता है। आजकल ज्वाइनिंग लेटर किसी के घर नहीं जाते हैं, सिर्फ कॉल के माध्यम से आपको बता दिया जाता है। हालांकि ज्वाइनिंग लेटर भी इशू होते हैं जो कि बाद में पहुंच जाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कॉल के माध्यम से बता दिया जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग कर ली जाएगी। तो ये तो रही फाइनल बात। और अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या चाहिए, तो उसके लिए भी एक मैं पूरी एक जानकारी के साथ आपके लिए एक वीडियो शेयर करूंगा। तो उसमें आप देख लेना कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या हमको लेके जाना है और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए मेडिकल से पहले। तो मैं इन दोनों की अलग अलग पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की और एक मेडिकल की। मेडिकल में क्या क्या चेक होगा, घर से अपन को क्या करके जाना है, क्या नहीं करके जाना है, तो इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी और आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक मेडिकल के लिए। और जो भी भाई सेलेक्ट नहीं हुए हैं वो टेंशन ना लें, 7,000 वैकेंसी फिर आने वाली है। आपने इसको फाइट किया, आप उसको भी फाइट करोगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और हाँ दोस्तों, एक वीडियो और बनानी है मुझे कि जो एक नियम था जो सैलरी को लेके था कि 70-80% 90% ये वाली सैलरी मिलेगी या फुल सैलरी मिलेगी, तो हालांकि बीच में एक नोटिफिकेशन आया था कि अब वो नियम खत्म होने जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। तो उसको मैं 1-2 दिन में कंसल्ट करके आपके लिए इसके ऊपर एक वीडियो और बनाने वाला हूँ कि आपको क्या सैलरी मिलेगी, आपको 70% 80% वो वाले नियम के हिसाब से मिलेगी या पुराने वाले हिसाब से आपको बेसिक सैलरी के हिसाब से मिलेगी। तो इसके लिए भी मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ भाइयों, जिसने मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको अभी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत वैल्यूबल रहेंगी। तो होप आशा करता हूँ आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। तो जब तक के लिए जय हिंद।